2020 का मई महीना कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन के बीच गुजरा। ये महीना रेलवे और उसके विवादों के लिए भी याद रखा जाएगा। मई की एक तारीख से रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलानी शुरू की। उसी दिन से विवादों, आरोपों, शिकायतों, शिकवों का सिलसिला भी चल पड़ा। ट्रेनों को लेकर बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों से रेल मंत्री पीयूष गोयल भिड़ गए तो लेट ट्रेनों, मजदूरों की मौत, खाने पीने की कमी पर रेल मंत्री घेरे भी गए। इस वीडियो में आपको रेलवे के इसी एक महीने के सफर के बारे में बताएंगे। पहली तारीख है 1 मई। करीब 37 दिन बाद फिर से ट्रेनें चली, लेकिन केवल मजदूरों के लिए। नाम रखा गया श्रमिक स्पेशल ट्रेन। इनके जरिए दूसरे राज्यों में काम करने गए मजदूरों को घर भेजने की कवायद शुरू हुई। यह ट्रेनें राज्यों के कहने पर चलाई गई। पहली ट्रेन तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया को गई, लेकिन 2-3 दिन ही गुजरे होंगे कि विवाद भी शुरू हो गए। आरोप लगे कि रेलवे ने मजदूरों का किराया मांगा। उसने पहले पैसे लिए और फिर मजदूरों को ट्रेन में बैठाया। कई मजदूरों की भी ऐसी कहानियां आईं, जहां उन्होंने बताया कि पैसे देने के बाद उन्हें ट्रेन का टिकट दिया गया। रेलवे ने आरोपों से इनकार किया, कहा कि मजदूरों के टिकट का पैसा इकट्ठा करना राज्य का काम है। रेलवे ने कहा कि टिकट की रकम में से 85% पैसा वो खुद भर रहा है, केवल 15% पैसा ही राज्यों से लिया जा रहा है। लेकिन बवाल थमा नहीं। इस मसले पर बीजेपी, कांग्रेस आमने सामने आ गए। सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मजदूरों का खर्च उठाने को कहा। राहुल गांधी ने रेलवे को पीएम केयर के जरिए घेरा, कहा कि रेलवे ने इसमें 151 करोड़ रुपए दिए, लेकिन मजदूरों का खर्च वो नहीं उठा रही। बीजेपी की ओर से जवाब आया, कहा कि 85% पैसा रेलवे वहन कर रहा है, राज्यों को केवल 15% पैसा ही देना है। बीजेपी शासित राज्य ऐसा कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी करें। फिर आई तारीख 8 मई। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलना शुरू हो चुकी थी, लेकिन सबको नहीं मिल रही थी। ऐसे में लाखों लोग पैदल जाने को मजबूर थे। ऐसे ही 16 मजदूर महाराष्ट्र में थक कर पटरियों पर सो गए। एक मालगाड़ी आई और उन्हें कुचलते हुए चली गई। मरने वाले मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया के रहने वाले थे। अगली तारीख 14 मई कांग्रेस शासित राज्यों से रेल मंत्री के तकरार के लिए याद रखी जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आरोप लगाया, कहा कि बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान श्रमिक ट्रेनों को अप्रूव नहीं कर रहे, इस वजह से मजदूर घरों को नहीं जा पा रहे। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल ने 1 महीने के लिए 105 ट्रेनों को मंजूरी दी है, लेकिन गोयल ने कहा कि बंगाल को तो रोज 105 ट्रेनों की जरूरत है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का भी जवाब आया। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ किसी ट्रेन का मामला नहीं अटका है, सबसे पहले राजस्थान ने ही ट्रेन चलाने की मांग की थी। फिर 23 मई को खबर आई कि महाराष्ट्र से रवाना हुई एक ट्रेन को उत्तर प्रदेश जाना था, लेकिन वह उड़ीसा के राउरकेला पहुंच गई। फिर शुरू हुआ श्रमिक ट्रेनों के लेट चलने की शिकायतों का दौर। कई रिपोर्ट्स ऐसी भी आईं जिनमें बताया गया कि 40 श्रमिक ट्रेनें अपना रास्ता भटक गईं। रेलवे ने इन दावों का खंडन किया। रेलवे ने कहा कि ट्रेनें रास्ता नहीं भटकती हैं, उन्हें बदले हुए रूट से चलाया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद यादव ने 23 मई को बताया कि अधिकतर ट्रेनें यूपी और बिहार में गईं, इस वजह से उस रूट पर कंजेशन हो गया। ऐसे में ऑप्शनल रूट में ट्रेनों को भेजा गया, लेकिन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर विवाद थमा नहीं। एक खबर आई कि सूरत से चली ट्रेन 9 दिन बाद बिहार के सिवान पहुंची। इस पर खूब हंगामा हुआ। रेलवे की ओर से फौरन खंडन आए। रेलवे प्रवक्ता, रेलवे बोर्ड चेयरमैन और खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर बयान दिया, कहा कि यह गलत खबर है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद यादव ने कहा कि 3840 ट्रेनों में से केवल 4 ट्रेनों ने ही गंतव्य तक पहुंचने में 72 घंटे से ज्यादा समय लिया। ये 4 ट्रेनें उत्तर पूर्व को जा रही थी और तूफान और बारिश के चलते पानी भरने की वजह से लेट हुई। इंडियन एक्सप्रेस ने 31 मई को छापा कि करीब 40% ट्रेनें लेट रहीं। लेट होने वाली ज्यादातर रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वी भारत के राज्यों को जाने वाली थीं। जो 78 ट्रेनें एक दिन से ज्यादा लेट हुईं, उनमें से 53 महाराष्ट्र और गुजरात से रवाना हुईं। फिर 25 मई को रेल मंत्री पीयूष गोयल महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से भिड़े हुए थे। उद्धव ने कहा था कि केंद्र की तरफ से राज्यों को जरूरत के मुताबिक ट्रेनें नहीं दी जा रही, इसलिए प्रवासियों को उनके राज्य भेज पाने में मुश्किल आ रही है। इस पर पीयूष गोयल ने 24 और 25 मई की रात को ताबड़तोड़ 12 ट्वीट कर डाले। उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र से 125 ट्रेनें देने के लिए तैयार है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार 41 ट्रेनों की ही लिस्ट दे पाई। ट्रेनों के लेट होने के बीच मजदूरों के भूखे सफर करने के मामले भी खूब उभरे। मई का तपता महीना, भूखे और प्यासे सफर करते मजदूरों की कहानियां इंटरनेट पर बिखरी पड़ी हैं। सोशल मीडिया इस तरह के वीडियो से भरा पड़ा है, जहां पर मजदूर बिस्कुट के पैकेटों और पानी के लिए झपट रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में। इसके अलावा कई स्टेशनों पर यात्रियों ने खाने को लेकर भी प्रदर्शन किया। हालांकि रेलवे ने कहा कि खाने पीने की व्यवस्था की गई है। रेल मंत्री ने कहा कि ट्रेन चलने पर राज्यों की ओर से खाना पीना दिया जाता है। इसके अलावा रास्ते में यात्रियों को 1.19 करोड़ से अधिक भोजन पैकेट और 1.5 करोड़ से अधिक पानी की बोतलें रेलवे ने दी।
फिर 29 मई को सामने आया कि श्रमिक ट्रेनों में सफर करने वाले 80 मजदूरों की जान गई। ये आंकड़े 9 से 27 मई के बीच के हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के डेटा के आधार पर यह खबर छापी। हालांकि रेलवे इससे भी इनकार कर रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक के जरिए श्रमिक ट्रेनों में मारे गए मजदूरों के बारे में सफाइयां दी गई। बताया गया कि पहले से बीमार थे ये लोग। फिर रेलवे ने एक एडवाइजरी जारी की 29 मई को। इसमें कहा गया कि पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, कम उम्र के बच्चे और बुजुर्ग लोग ट्रेन की यात्रा ना करें। इस तरह से रेलवे ने अपने यात्रियों के सफर की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। ऐसे ही हंगामों, ट्वीट संग्रामों और विवादों के बीच मई का महीना समाप्त हो गया। साथ ही रेलवे का मजदूरों का काम भी कम हो गया है। लेकिन जनता के मन में रेलवे को लेकर कई सवाल भी उठने लगे हैं, जिनका जवाब, खैर छोड़िए, जवाब जवाब जैसे जवाब देता ही कौन है। आपका रेलवे के इस कामकाज के बारे में, इस लापरवाही के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।